हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और कहिए कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे भी रहना चाहिए सभी को। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और काम पूरा हो चुका है क्लीनिंग का। आज बारिश का समय है और रोज़ ही क्लीनिंग करना ज़रूरी है और अच्छे से डीप क्लीनिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि बारिश में ही सबसे ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं और अभी डेंगू भी बहुत फैल रहा है। हाँ बेबी, और आप लोग कैसे हैं बता दीजिएगा। हम लोग तो अच्छे हैं और अच्छे ही रहिए सब लोग। काफ़ी सुबह मॉर्निंग से पीछे पड़ी है। उसकी सिस्टर ने बोल दिया था उससे कि आज तुम सारा ड्रेस जो है ना वो पिंक पहनना, नेल पॉलिश भी पिंक में वो पहन। तो इसकी सिस्टर ने बोला था इसको कि आज तुमको पिंक ड्रेस पहननी है, तो पिंक ड्रेस पहनेगी। ये तो सुबह से पीछे पड़ी हुई है मेरे, तो इसके लिए पिंक ड्रेस निकाल देती हूँ। वो तो अच्छा पिंक ड्रेस है इसके पास, तो निकाल देती हूँ। पिंक क्या मतलब, गाजरी कलर पे है तो पिंक से ही मिलता जुलता। तो आज आप लोग के साथ में एक स्वीट डिश शेयर कर रही हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, रेसिपी को फुल वॉच करिएगा। और अभी राखी आ रही है तो सभी लोग बना के भी देख लीजिएगा पहले से ही, ताकि परफेक्ट बन जाए तो राखी पे आप उसको बना सको। तो चलिए देखते हैं। हाँ राखी आ रही है, आपको नहीं पता कल कहाँ से राखी होगी। अभी तो टाइम है, तो चलिए मैं इसको पहले कपड़े निकाल देती हूँ, उसके बाद मैं अपने हेयर बनाऊंगी, उसके बाद मैं चलती हूँ किचन में। लंच की भी तैयारी करनी है और खाना रखा है। इनके पापा ने नाइट में खाया ही नहीं, वो आए लेट थे, उसके बाद उन्होंने खाना ही नहीं खाया। तो वो सब्जी तो ऐसी कैसे रखी, रोटियां तो मैंने बनाई नहीं थी, मैंने कहा रोटियां वो आएंगे तभी बनाऊंगी, तो रोटियां बना दूंगी अभी। और सब्जी रखी है, अरवी की सब्जी सूखी वाली बनाई थी वो, ग्रेवी वाली, दोनों ही रखी है। रेसिपी बनानी है मुझे बाबू शांत, और हाउ टू मेक के लिए भी रेसिपी बनानी है मुझे। तो ये वाली ड्रेस निकाल रही हूँ इसके लिए, ये चलेगी ना। इसके अंदर का कहाँ है? सब अंदर है इसके अंदर, पकड़ो पकड़ो, मैं निकालती हूँ इसके अंदर का। हाँ मैं निकाल दूँ, पकड़ो। इसके अंदर टी शर्ट था ना। अरबी के पत्ते कैसे दिए? अरबी के पत्ते हाँ हाँ पीले पीले। अनुष्का को चॉकलेट दिला देती हूँ, उसके बाद उसको कोचिंग छोड़ने जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ शॉप पे, और ये है हमारा सर्वानंद मार्केट, यहीं से मैं अधिकतर शॉपिंग करती हूँ, और ग्रोसरी का तो पूरा सामान मेरा यहीं से आता है। इससे पहले ही मैंने कई बार आप लोग को दिखाया है यहाँ का पूरा ये जो एरिया है किस तरह का है, और बस ये चॉकलेट्स वाला एरिया है। सब तरह की आपको यहाँ पर चॉकलेट्स मिल जाएंगी। यहाँ पर मेरी जो डार्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट ना, वो भी यहीं से लेके जाती हूँ मैं, और सारे तरह के एसेंस मिल जाएंगे। तो शॉप बहुत अच्छा है और मेरे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो मुझे बहुत पसंद आता है ये शॉप। और यहाँ पर ये चॉकलेट पसंद कर रही है, तो इसने किटकैट चॉकलेट ली है, और 20 रुपीज़ वाली अलग ली थी और 10 रुपीज़ वाली अलग ली थी। तो पता नहीं किस किस को कौन कौन सी देगी। तो बस यहाँ से चॉकलेट लेके और सीधे इसको जाऊँगी मैं कोचिंग छोड़ने। बर्थडे है तो एल्डर फ्रेंड लोग के लिए भी दे।
को कोचिंग छोड़ आई हूँ। उसको छोड़ के आने से पहले ही मुझे पता चल गया था कि इनके लिए मुझे खाना तैयार करना है, ये ड्यूटी जाएंगे, तो फटाफट उसको छोड़ के आई। और यहाँ पर ये मैडम जिद्दी कर रही है मेरे से चॉकलेट की, तो मैंने कहा दीदी आएंगी तो वो लेके आएंगी। और मतलब मुझे उसको छोड़ के आने के बाद तुरंत आके खाना बनाना था इनके लिए। तो यहाँ पर मैं भिंडी धो रही हूँ और भिंडी धो के भिंडी की सब्जी बनाऊंगी। और मतलब एक और हाउस वाइफ को जरा सा भी चैन नहीं मिलता है सांस लेने को। तो बस यहाँ पर मैं भिंडी इनके लायक मैंने भिंडी की तैयारी कर रही हूँ। भिंडी धो लेती हूँ, उसके बाद इसको फटाफट पोंछ के और भिंडी की सब्ज़ी बना के सीधे इनके लिए खाना तैयार करके उसके बाद मैं दूसरे काम करूँगी, क्योंकि अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मेरे पास सिर्फ आधे घंटे का समय है और आधा घंटे में ही मुझे खाना बनाना है इनके लिए, क्योंकि ये निकल जाएंगे 5 बजे। अनुष्का का बर्थडे है तो ज़्यादा कुछ तो मैंने तैयारी करी नहीं है, क्योंकि अभी इनके पापा गए ड्यूटी, अनुष्का को छोड़ के आई फिर ड्यूटी गए इनके पापा। और अब मैं इसके लिए छोटा सा केक बना लेती हूँ, तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो 7 बजे तक उसकी छुट्टी होगी, उसको लेने भी जाना है मुझे, और 5 बज रही है, तो देखती हूँ मैं कितनी तैयारी कर सकती हूँ उसके बर्थडे के लिए, ये सरप्राइज़ उसके लिए। क्योंकि मैंने उसको बोल दिया था मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं बहुत भयंकर थक गई हूँ। और जब उसने मुझे उठाया मैं सो रही थी, मतलब 2:30 बजे मैं काम से, फिर मैं बात आपसे काम करते करते बात करती हूँ काम करते करते आप लोगों से बात करती हूँ। तो यहाँ केक की तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए ये है फ्रेश मलाई, तो इसी से मैं केक बना रही हूँ, घी यूज़ नहीं कर रही हूँ आज। तो ये देखिए इस तरीके से, और मेजरमेंट के हिसाब से ये 1 कप है ना क्रीम होगी, तो इसी को ले लेती हूँ। और यहाँ पर मैदा डाल लेती हूँ, ये गीली हो रही चल रही। तो यहाँ पर मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ, और जिस मेज़रमेंट से मैं आपको बता रहा हूँ ना उसी मेज़रमेंट से आप बनाएंगे तो आपका केक परफेक्ट बनेगा। यहाँ पर मिक्सर पॉट में मैंने जो मलाई थी ना वो पूरी मलाई मैंने ले ली है मिक्सर पॉट में, इसी में मैं फेटूंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक हैंड ग्राइंडर पूरा फैल जाता है इधर से उधर सामान को लगाओ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास स्विच नहीं है। और यहाँ पर मैं मैदे में ले रही हूँ बेकिंग पाउडर, तो 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है। तो यहाँ पर 2 कप का नाप बता रही हूँ मैं, और 2 कप के नाप में मैंने 1 कप मैंने क्रीम ली है। और मिक्सर पॉट में मैं डाल रही हूँ शुगर, क्योंकि मैं सोच रही जब मिक्सर में फेंट ही रही हूँ तो शुगर को मैं जो दाने ना वही ले लेती हूँ। तो 1 कप मैंने शुगर लिया है, और अगर आप हाथ से फेंट रहे हो तो आप शुगर पाउडर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं मिक्सर ग्राइंडर में बीट कर लेती हूँ फटाफट इसको, और एसेंस डाला है मैंने इसमें 1/2 टीस्पून के आसपास। तो यहाँ पर मेरे पास वेनिला एसेंस था तो मैंने वेनिला एसेंस डाल दिया, आप जो भी चाहो वो डाल सकते हो। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालेंगे, ज़रूरत के हिसाब से दूध डालेंगे, अगर कम पड़ेगा तो अच्छे से नहीं फिटेगा तो। यहाँ पर मुझे है ना 1/2 कप के आसपास दूध लगा था, और यहाँ पर मैं ओवन रख देती हूँ प्री हीट होने के लिए। तो 10 मिनट के लिए ओवन को प्री हीट होने के लिए रख दूँगी 200 डिग्री पे। ओवन प्री हीट होता है तब तक हम केक का बैटर जो है वो तैयार हुआ उसको हम पैन में डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बैटर काफ़ी अच्छे से इस मतलब तैयार हो चुका है, और ये घी से मैं ग्रीस कर रही हूँ पैन को, और इसमें थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करूँगी और चारों तरफ फैला दूँगी। इससे क्या होगा कि केक हमारा चिपकेगा नहीं, जलेगा नहीं। और अगर आपके पास बटर पेपर था बटर पेपर भी लगा सकते हो। यहाँ पर पूरा बैटर मैं डाल देती हूँ इसके अंदर, और बेक होने के लिए रखने से पहले ओवन को प्री हीट होने देंगे, जब तक मैं है ना पिज़्ज़ा की तैयारी कर लेती हूँ। तो अभी प्री हीट होने में टाइम है। यहाँ पर पिज़्ज़ा के लिए मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा, और इसमें ले रही हूँ ड्राई ईस्ट, 2 टीस्पून ड्राई ईस्ट लिया है। और यहाँ पर बटर लिया है मैंने 4 टीस्पून के आसपास बटर ले रही हूँ, साथ में शुगर पाउडर ले रही हूँ 6 टीस्पून, और जो पिज़्ज़ा बेस रहता है ना वो हल्का सा थोड़ा सा मीठेपन पर लगता है तो अच्छा लगता है। यहाँ पर 1/2 टीस्पून नमक लिया है, और ओवन प्री हीट हो गया है, प्री हीट हो गया ओवन, तो ओवन में रख देती हूँ इसको मैं। और यहाँ पर केक को 180 डिग्री पे मैं बेक होने दूंगी कम से कम 45 या 50 मिनट के लिए। तो चलिए इसको मैंने बेक होने के लिए रख दिया। यहाँ पर जो पिज़्ज़ा है ना उसकी भी आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल वो चीज़ भी काफ़ी अच्छा है, आप मार्केट से लाते हैं ना उस तरह का ही स्ट्रेच होता है जो पिज़्ज़ा चीज़ है ना वो नहीं, ये बटर है, बटर है, बटर है, चीज़ दूसरा है। पहले शिमला मिर्च दे दो, फिर काव्या मेरे साथ हेल्प करवा रही है। मैं भी डालूंगी काट काट के। आप ये इसको रख दो, इसको रख दो, इसको रख दो। ना। पानी को हल्का सा कुनकुना गर्म कर रही हूँ, वैसे आप चाहो तो दूध के साथ भी इसका इसका डो तैयार कर सकते हो।
फिर से मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। वैसे 2 कप मैदे में 1.5 कप के आसपास पानी लगता है, और इसका जो डो है ना वो इस तरह से चिपचिपा तैयार होता है, और इसको हमको गूंद गूंद के इस तरह से सॉफ्ट करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर स्टेज फोल्ड वाली प्रोसेस होती है इसमें भी, लेकिन अभी जल्दी है तो बस मैंने ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करी है। और यहाँ पर ट्रे को घी से ग्रीस कर लिया है, और देखिए इस तरह से मैं इसको बेल लूँगी। वैसे मैंने हाथ से गुठी लगा लगा कि इसको सॉफ्ट कर लिया है, और अगर आपके पास टाइम है तो इसको आप आधा पौन घंटे के लिए रख सकते हो ताकि ये फॉर्मेट हो जाए अच्छे से। और फिर भी ये अच्छे से फॉर्मेट हो जाएगा, मैं वेजिटेबल चॉप करूँगी, तब तक इसको रखूँगी कम से कम 10-15 मिनट के लिए, तो उतनी देर में भी ये फॉर्मेट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करके फिर इसको रोल बना के और इसी कैसे ट्रे पर डाल दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने ट्रे के हिसाब से ही इसको बेला है, आप चाहो तो गोल बेल सकते हो, और काफ़ी अच्छे से फूल जाता है ये, डबल हो जाएगा, जितना मैंने मोटा बनाया ना उससे थोड़ा डबल हो जाएगा। तो बस यहाँ पर इसको मैंने इस तरह से रख दिया है, और इसको फोक से इस तरह से गोद दिया है ताकि ये फूले ना, मतलब जैसे रोटियाँ फूलती ना वैसा ना फूले। बच्चे वेजिटेबल चॉप कर रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? और यहाँ पर देखिए केक में दिखा रही हूँ आपको, केक भी अच्छे से फूल रहा है। तो अभी इसको तो काफ़ी समय है, और चलिए कर लेते हैं पिज़्ज़ा की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने चिली सॉस और टमाटर सॉस को मिलाकर पिज़्ज़ा सॉस बनाया, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि पिज़्ज़ा सॉस बनाऊँ मैं। तो यहाँ पर बस चारों तरफ मैंने फैला दिया इसको, और इसके ऊपर डाल दिया है मैंने ये अमूल का चीज़। तो ये मार्केट का चीज़ है, और उसके बाद मैं घर का बना हुआ होममेड चीज़ डालूंगी, वो भी बहुत अच्छा बना है। उसकी रेसिपी आप मेरे हाउ टू मेक बाई गायत्री पे देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चों ने जो वेजिटेबल चॉप करी, तो ज़्यादा वेजिटेबल कुछ नहीं था इसमें, शिमला मिर्च और ऑनियन चॉप करे थे तो वही डाले हैं मैंने। और यहाँ पर ये मसाला डाल रही हूँ पिज़्ज़ा मसाला, थोड़ा सा नमक डाल देंगे और डाल देंगे चिली फ्लेक्स। तो बस यहाँ पर हमारा जो पिज़्ज़ा है ना वो तैयार हो चुका है बेक होने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं इस पर डाल रही हूँ टमाटर सॉस और होममेड चीज़। तो यहाँ पर देखिए ये है होममेड चीज़, थोड़ा सा ही बचा है, तो बस इस तरह से मैं इसको डाल देती हूँ छोटे छोटे पीसेस करके। आप चाहो तो इसको ऐसे करके भी डाल सकते हो। उसके बाद इसको मैं बेक होने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पर हमारा देखिए केक भी जो है ना वो बन के तैयार हो चुका है। मैं खा रही हूँ भुट्टा, और देखिए फटाफट मैंने काम करा है, बर्तन क्लीन करे हैं, सब्जी धोई है, और केक बन चुका है, पिज़्ज़ा रख दिया है मैंने बनने के लिए। सब भून लेते हैं, और मोटर की आवाज़ आ रही है, वॉइस ओवर करनी पड़ेगी। और ये सब काम करते करते मुझे अभी टाइम हो गया है, 6:30 हो रहे हैं, और 7:50 पे मैं अनुष्का को लेने चली जाऊँगी, और वो आएगी तब तक कि जो पिज़्ज़ा है ना वो भी पिज़्ज़ा भी बन जाएगा। और तो यहाँ पर देखिए हमारा पिज़्ज़ा भी बनके तैयार हो चुका है, और काफ़ी अच्छे से फूल गया है, दिख रहा है आपको, मतलब डबल हो गया है, काफ़ी अच्छे से पक गया है। यहाँ पर केक भी बनके तैयार हो चुका है, तो इसको सिंपल सा मैंने डेकोरेट करा है, क्योंकि इसे आइसिंग से डेकोरेट नहीं कर सकती थी क्योंकि गर्म है, और इतनी जल्दी केक डेकोरेट नहीं होता, उसको ठंडा होने में टाइम लगता है। तो बस बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? सिंपल सा सेलिब्रेशन है। ये सब कुछ देख के अनुष्का बहुत खुश हो गई, और मुझे उसको देख के बहुत खुशी मिली। तो बस आज का व्लॉग करते हैं एंड, फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।